वोट मांगने भी नहीं आए, वोट मांगने भी नहीं आए। यहाँ के लोग कहे हम लोग हिंदू हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट दे दिए। अच्छा, हिंदू होना बीजेपी को वोट देने की गारंटी है? तो नेता आ जाएंगे जीतने के लिए, हमारे गांव अगर जो चलेंगे एक साथ सुमत में चलेंगे तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे और क्या। मार खाए हम लोग, हम जा रहे हैं हम लोग। कौन मारता आपको? अरे वह विधायक जो है वही खुद हमको लोगों डांटने लगे, 25 आदमी खुद डर गए, हमारे घर कट गए, वहाँ चढ़ाने नहीं देते हैं, छप्पर अभी भी पड़े हैं। कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और भगवान की सरकार है, यानी कि जनता की सरकार है, और जनता जो भगवान है लोकतंत्र में, जिसकी सरकार है उसकी हालत क्या है ये देख लीजिए। कि देखिए किस तरह से नदी काट रही है और धीरे धीरे ये पूरा, ये जो किनारे का घर है पूरा अपने आगोश में ये नदी लेने को आतुर है। लोग परेशान है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम है सरफरोश। उसमें एक गाना था, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, और खो रहा चैनो अमन लुट रहा अपना वतन, इस तरह से करके वो गाना था। तो मैं आपको दिखाने आया हूँ, ये देखिए, ये जिंदगी मौत है। मौत कैसी कि इससे चंद फीट की दूरी पे ये घर है, ये पूरा गाँव है। कुछ ही दिन लगेंगे इस मिट्टी को काट करके ये नदी अपने साथ बहा ले जाएगी, या हो सकता है कि इस घर को भी काट करके बहा ले जाए, इसके आसपास के घरों को बहा ले जाए। ये घर किसका है? इन्हीं लोगों में से किसी का घर होगा। ये नदी जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत दूर थी, उस तरफ का जो वो तटबंध दिख रहा है उस तरफ ये नदी थी। इस तरफ दिखा दें, जब मैं पिछली बार आया था नदी वहाँ मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन आज मैं आया हूँ तो ये नदी यहाँ पे है। हम आए क्यों हैं? 2024 का चुनाव है, एक बार फिर जनता वोट देगी और अपनी सरकार चुनेगी, वो सरकार जिसका दावा नेता और मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता करते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और भगवान की सरकार है, यानी कि जनता की सरकार है, और जनता जो भगवान है लोकतंत्र में, जिसकी सरकार है उसकी हालत क्या है ये देख लीजिए। जिंदगी मौत ना बन जाए कहीं, ठीक है, ये मौत में कब इनकी जिंदगी बदल जाएगी ये भी नहीं जानते। एक एक पल बड़ी दुश्वारियों से इनका कट रहा है, कब इनको क्या देखना पड़ जाए, क्या झेलना पड़ जाए ये नहीं जानते। ढेर सारे गांव वाले हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये जब वोट करते हैं तो इनके मन में क्या चलता है, आखिर कब से इनकी ये सारी समस्याएं हैं। भरथापुर ये गांव है, नेपाल से सटा हुआ भारत का आखिरी गांव है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहीं से लगता है। तो भरथापुर गाँव की विस्थापन की समस्या है एक, जिसको बहुत साल से कहा जा रहा है कि अब इनका पुनर्स्थापन कर दिया जाएगा, इनको विस्थापित कर दिया जाएगा, यहाँ से मौत वाली जगह से इनको हटा करके कहीं अच्छी जगह बसा दिया जाएगा। मुझे ये भी बताया गया, गांव के लोगों ने बताया कि जब ये रात में, जब हम जैसे लोग अपने घरों में चैन से सो जाते हैं तब ये लोग रात में रखवाली करते हैं कि हाथियों का कोई झुंड ना आ जाए, किसी की मंडई ना उजाड़ दे, किसी का घर ना रौंद दे, किसी को जान से ना मार दे। क्या ये सही बात है? सही बात है कि नहीं हाथी वाली? हाथी के लिए सही बात है, और टाइगर भी आए वक्त परेशान करता है। टाइगर भी परेशान करता है? जी जी, टाइगर घर में भी घुसने की कोशिश करता है, हर घर से एक व्यक्ति जागता है और पहरेदारी करता है। तो इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक तरफ मौत है उधर, जिधर जमीन है एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ ये पानी बढ़ रहा है, ये खाई है, मौत दोनों तरफ है। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? सर ऐसे में क्या करेंगे, नेता तो यहाँ आता नहीं है, नेता हम लोगों से हालचाल भी नहीं लेता है। हमारा हालचाल अगर कोई लेता है तो फॉरेस्ट या SSB का लोग आता है, बोलता है तुमको हम विस्थापन करवाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन नेता यहाँ कितना साल हो गया ये सुनते सुनते? ये सर सुनते सुनते 2008 से चल रहा है, प्रक्रिया अभी चली रहा है सर। अच्छा जी, 2008 से चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और ना ही बोले रहे कि होगा, ये बोल रहे हैं कि हम विस्थापन बहुत जल्द से जल्द करवाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। फिर तो चुनाव आ गया जी, चुनाव आ गया है, फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे। जी 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 जी, सांसद कौन है यहाँ का? सांसद अक्षय बरलाल गौड़ है। कितनी बार आए हैं यहाँ पे? केवल एक बार आए हैं। कब आए थे? जब वो चुनाव जीते थे, फर्स्ट में चुनाव जीते थे तब आए, उसके बाद वो नहीं आए, तब से आए। कितना साल हो गया? हो गया सर लगभग 8 से 9 साल हो गया होगा। यानी जब दूसरी बार वो सांसद बने तब आए भी नहीं? आए भी नहीं। वोट मांगने आए थे कि नहीं? वोट मांगने नहीं आए, यहाँ मांगने भी नहीं आए, वोट मांगने भी नहीं आए। यहाँ के लोग कहे हम लोग हिंदू हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट दे दिए। अच्छा, हिंदू होना बीजेपी को वोट देने की गारंटी है? ये गारंटी कर दिए कि बीजेपी में हम वोट दे देते हैं, और कहीं कहां जाएं किसको वोट दें, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई वोट मांगने भी नहीं आता, कोई वोट मांगने भी बीजेपी का नहीं आया नेता। अच्छा, नेता बीजेपी का कोई वोट मांगने भी नहीं आया, सपा का भी मतलब किसी पार्टी का नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यानी लोगों की नजर में, नेताओं की नजर में आप लोगों की कोई अहमियत नहीं है? अहमियत है क्या?
नहीं अहमियत नहीं है, तभी तो कोई नहीं आता वोट मांगने, है ना। जब वोट नहीं मांगने आता तो फिर जीतने के बाद भी नहीं आएगा। जीतने कौन बात है, जीतने के बाद भी नहीं आएगा, कहां आएगा? तो समस्याएं कैसे दूर होंगी, कैसे दूर होंगी चाची समस्या? कैसे दूर होंगी जब कोई सुनता ही नहीं है तो काल दूर होंगी। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई सुना थे कटान पर हम तो नहीं सुना आवा थे, वादे का सुनी है। खाली वाट मांगे के रहा थे तो प्रधान आए जाते सब आए जाते। अच्छा, और वैसे ही कोई नहीं आवा था। यहाँ पे कौन सुनेगा, यहाँ पे तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। जब वोट लेने के होगा तो वोट लेने आ जाएंगे। ये जो गरीब दुखी हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, तो आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाते हैं? तो उठाते हैं, उठाने के बाद भी कुछ भी तो नहीं सुनाई पड़ता है। हाँ। कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है, ना कोई भी नहीं सुनता है। वोट लेने अकेले चिल्लाते हैं कि एक साथ सारे लोग चिल्लाते हैं? नहीं, अकेले भी चिल्लाएंगे, एक साथ भी कोई चिल्लाएगा तभी तो नहीं कोई सुनता। एक साथ भी चिल्लाने पे नहीं सुनता? नहीं नहीं, कोई नहीं सुनता। अच्छा, तो कैसे दूर होंगी समस्याएं? अब कैसे दूर होंगे, तो फिर चुनाव, फिर नेताजी लोग आएंगे, हो सकता है अबकी बार मामला थोड़ा टफ लग रहा है। अबकी बार इंडिया और एनडीए में बड़ा जबरदस्त लड़ाई है, मोदी जी एक तरफ है, राहुल गांधी एक तरफ है, लग रहा है अबकी बार मैदान थोड़ा भारी है, तो हो सकता है नेता आ जाए जीतने के लिए। तो नेता आ जाएंगे जीतने के लिए, हमारे गाँव अगर जो चलेंगे एक साथ सुम्मत में चलेंगे तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे और क्या। अच्छा, हाँ। आप लोग वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, एक साथ अगर जो चलेंगे या हमारे गांव के जो समस्या है जो हटाएंगे हमारे समस्या, तो अगर जो हटाएंगे तो वोट मिलेगा, नहीं देंगे, नहीं हटाएंगे तो फिर नहीं मिलेगा वोट और क्या। तो आप लोग ये बात करेंगे आपस में कि अगर हमारी समस्याएं नहीं दूर हुई तो हम वोट नहीं देंगे? तो जब गांव वाले जब यही ना कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे? गांव के जब एकता रहेंगे, गांव के जब एकता क्यों नहीं रहेंगे? जब पूरे गांव के अगर जो वोट दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं, उसमें अगर जो हमारी समस्या हट रही है तो पूरे गांव के लोग हम लोग वोट मिलके दे रहे हैं। अगर सुविधा है स्कूल, स्कूल का कोई सुविधा है? सुविधा स्कूल में चलो बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ कोई ना, 5 तक का स्कूल है और यहाँ 1834 ये गांव है। हाँ, यहाँ और कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो नेताजी लोग वोट मांगने आएंगे फिर अपनी मांग रखेंगी ना, अपनी बात बताएंगी ना? हम लोग बताएंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, हम कल लोगों जब तो भैया देखिए, आपके गांव की महिलाओं ने तय कर लिया है कि अगर नेताजी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे। हम तो बहुत दिन से कहते हैं अब वोट दे पाई ना करो। हमारे गाँव के कोई सुनवाद नहीं हो रही है, हमारे घर कट गए, वहाँ चढ़ाने नहीं देते, छप्पर अभी भी पड़े हैं। चढ़ाने नहीं दे रहे हैं? नहीं देते वन विभाग, दो दो हेक्टर जमीन सक्रिय दे के यहाँ, और 10 लाख रुपया फिर भी रुपया। हमारा घर वो वहाँ पर है, कट गया जमीन, कट गई जमीन। और क्या क्या बोल रहे हैं आप? जमीन कट गई, हमारे घर कट गए हैं, कोई चढ़ाने नहीं देता, अभी छप्पर खड़े हैं, कोई चढ़ाने नहीं देता। ये कहीं घर में, दूसरे के घर में रह रहे हैं हम लोग, ये कहीं घर में, दूसरे के घर में रह रहे हैं हम लोग, दूसरे के घर में रह रहे हैं। हाँ, आपका क्या कहना है? दूसरे के घर में बन नहीं। मेरा नाम राजकुमार है, जो हमें लोगों को 25 आदमी को बुलाए थे, विधायक लोग, अक्षेबर लाल गौड़ सांसद जी हैं, सांसद जी, तो वहाँ बहिराज बुलाए थे। यहाँ फोन आया मुन्ना के पास, मुन्ना सबको लेकर चले। वहाँ जब पहुँचे तो सांसद कहते हैं इतने लोग क्या करने आए हो, आप पहले बुलाए तो कहीं बताते क्या करने आए हो। तो कहला समस्या जैसे हमारे लोगों तकलीफ है, इसी वजह से हम लोग आए हैं। तो कहला इतने लोग आना जरूरत ना, 2 आदमी जरूरत रहे। तुम्हारा लोगों का विस्थापन चल रहा है, होगा काम तुम्हारा लोग निकला, आप मत आना आप यहाँ पर। तो आपने पूछा नहीं नेताजी कब से विस्थापन चल रहा है, कब तक हमारा पुनर्स्थापन होगा? वो डांटने लगे हम ही लोगों को, डांटने लगे। हाँ, डांटने लगे, हम लोग डर गए। तो क्या करें, वहाँ पर बैठे मार खाए हम लोग, हम कहें जा रहे हैं हम लोग। कौन मारता आपको? नरे वह विधायक जो है वही खुद हमको लोगों डांटने लगे, 25 आदमी खुद डर गए, क्या करें वहाँ पर जाकर। 25 लोग गए थे, आप लोग डर गए, आप लोग अपनी बात भी नहीं बता पाए। बताए हम लोग कि हमारी लोगों बड़ी समस्या गार है कि उधर हाथी का डर है, उधर बाघ है, उधर नदी है, चारों तरफ से डर है। तो कहले नहीं आएंगे, आएंगे तुम्हारा लोग काम चालू हो रहा है, हो जाएगा जल्दी। तो लगभग यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया, अभी दर्शन नहीं दिए कि यहाँ पर कहूँ कोई आए हो विधायक। 1 साल से कोई दर्शन नहीं दिया, अब चुनाव आ गया, हो सकता है दर्शन दे दें। दर्शन देंगे निकल, हम लोग वोट नहीं देंगे, पूरे गाँव के नहीं देंगे वोट।
कोई वार्ड नहीं देगा अब। अरे एक साहब ने बताया कि पिछली बार यहाँ पे कोई आया नहीं था वोट मांगने, इसीलिए हमने हिंदू समझ करके बीजेपी को वोट दिया। तो क्या अब की बार अपनी समस्याओं के लिए वोट देंगे, लोगों से बात करेंगे? नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। चाहे जितना भी कहेंगे वोट डीलो तुम्हारा काम करेंगे, तो पहले कहेंगे हमारा लोगों काम पहले करवा दो, यहाँ से हटाओ तब वोट देंगे। जब तक हटाओगे नहीं, हटेंगे नहीं तब तक, तब तो वोट कोई नहीं देगा यहाँ हमारे गाँव के, कोई नहीं देगा। ये देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, यहाँ से दिखा दूं, आप लोग जाइएगा नहीं, मैं बस आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि देखिए किस तरह से नदी काट रही है और धीरे धीरे ये पूरा, ये जो किनारे का घर है पूरा अपने आगोश में ये नदी लेने को आतुर है। लोग परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत नजदीक नजदीक में घर हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। और यहीं से दिखा देते हैं, यहीं से दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों का घर काटने। आपका घर है क्या किनारे? हमारा घर इधर। आपका घर किनारे है? इधर आओ। अच्छा चलिए आइए देख ही लेते हैं, आइए देख लेते हैं। आप लोग रुकिएगा, जाइएगा नहीं, देखिए किस तरह से यहाँ पे कटान हो रही है, लोग कितना परेशान है, नहीं आता है, लोग कितना परेशान है। इनका कहना है, इनका आरोप है कि कोई देखने नहीं आता और गांव के लोग अब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी समस्याओं का अंत कैसे होगा। देखिए नदी हर जगह से काट रही है, पूरी तरह से नदी इस क्षेत्र को काटने को आतुर है। और अगर किनारे से जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, साइड से चलिए, साइड से चलिए। भारत विकास करते करते कहाँ पहुँच गया, देखिए असली सच्चाई है ये भारत की। भारत जिसकी आत्मा गांव में बसती है, उस भारत की ये दशा है। ये देखिए किस तरह से लोगों के घर कटने को आमादा है। आपको डर नहीं लगता चाची? लगता है तो कहाँ चले जाए, हाँ कहाँ चले जाए, कटान पर घर है बताओ। लिखा पड़ी कब से हुआ था, हम लोग नदी किनारे हैं, घर वर वो भी कट गया है, हम लोग कहाँ जाए, कहाँ बसी बताओ। है अतना से जनता लोगन के हम कलोन स्थापन करावत ही कराए ना पावत ही, दिलासा दे रहे हैं। आए अब ऐसे जाओ तो नदी है, ऐसे जाओ तब तो जंगल हुए, हाथी मिल जाए तो हम लोग कहाँ चले जाए, भूखे तो मरी थी। हाँ कटान पर घर है, हम लोग कैसे चले जाए, इधर पानी है कहाँ चले जाए हम लोग। अब जैसे मरा की इलाका है ना गवा है, अब क्या करी बताओ, परे हन कहाँ चले जाए। तो कोई आता नहीं, नेता उता नहीं आते देखने? कोई ना आवते हैं, जो जौन हुई बंसी धरे वह ना आवते हैं। अच्छा वह विधायक जी ना आवते। अच्छा वोट ले जा विधायक तो कोई सरोज है ना, क्या नाम उनका? सरोज सोनकर। सरोज सोनकर है विधायक बीजेपी की, और यहाँ से सांसद है अक्षयबर लाल गौड़। हाँ ना आवती, कोई नहीं आता देखने, कोई ना आवती देखने। अच्छा तो आप लोगों को डर लगता है कि नदी काट के सब बहा ले जाएगी? तो डर लागत है तो क्या करे, अब जागा करी थी, कहाँ तक का जागी, देखी थी एक नींद सोई थी फिर जागी थी। आप लोग रोक थो, हम बात करें, हमारा घर कट गया है बाबूजी, और जमीन भी कट गया, घर भी कट गया, हम लोग दूसरे घर में हैं। वो आदमी गाली देता है कि हमारा घर में से कोरे निकाले भागो यहाँ से नहीं, अब स्थापन हमका लोग नहीं मिल रहा है, हम लड़का बच्चा लेकर लेकर के कहाँ जाए बैठे, आप लोग बताइए। आप जिसके घर में है वो डांट भगा रहे हैं आपको ना, डांट कर भगा रहे हैं, यहाँ जाइए। काट है जी, कहाँ जाएंगे फिर? हम कहाँ जाए, कहाँ जाए, हमारे नदी में चला गया, जगह जमीन सब नदी में चले गए, दूसरे घर में डाले हैं। आपका भी कट गया? हाँ हमारा घर यहाँ कट गया है, यहाँ से भाग के दूसरी की जगह में बसे हैं जाए के हैं, अब वहाँ आगे फॉरेस्ट वाले बसे ना दे थे। क्या कहेंगे सरकार से ताकि आपकी समस्याओं पे जल्द से जल्द ध्यान दे करके आप लोगों को सही जगह पे पहुँचा दिया जाए? तो बहुत कहा जाता है बाबू जी, नहीं सुनत है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। वोट के बेरे में आए इमा वोट दे उमा वोट दे, जब वोट दे दे प्रधान के जिताए दे तो कोई देखे ना यार। अब देखो कितने दिन से गांव हटा था, खेत हमारा सब नदी में चला गया, घर सब नदी में चला गया, अब हम दूसरे घर कौन ले जाए के रखे हैं। उस लोग को भगाते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में से कोरे निकालो भोसरे वाला मांडर चोट, हमारे घर में क्यों बैठे हो, ये दिल में कम चोट लगा था हमारे लोगन के, दूसरे घर में कोई सहक पड़ा था, कोई चाहे गाली दे चाहे मारे, कहाँ बैठने वाला विस्थापन नहीं दे रहा है, उसी उधर जाए उत्तर और जाए जंगला में है तो जंगला वाली नहीं बैठे देते है, किसके घर में जाए कि हमको नहीं डार दे, हमारे लोगों के तो कुछ नहीं है, दूसरे घर में हन। साहब इनकी आंखों में तैर रहे आंसुओं को आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि जो इंसान होगा ना
इतने दर्द को देख के, इतनी तकलीफों को देख करके, ठीक है, पता नहीं वो क्या से क्या कर देगा, लेकिन इनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है शायद आपकी नजरों में, इसीलिए ये लोग दर दर भटकने को परेशान है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई धक्का मार रहा है, कोई भगा रहा है। शांत रहिए, बोलने दीजिए। हम तो कहे थे ना आज गाँव हटा खोई तो कल भी हट जाए, कल हटा खोई तो आज हट जाए, हम छुटकारा पाए जाए, अपन लड़का बच्चा लेके, हमार लड़का बच्चा सुविधान से तो रहें करें खे को मंजूरी ढटोरी करें को बैठार दिए हैं, तो लड़का बच्चा लेके घर में है, अब कहाँ जाए हैं लड़का बच्चा, ऐसे ऐसे बैठा रहे हैं कि अब गाँव आ जाए तब गाँव आ जाए, तभी भी नहीं उठ हटा रहे हैं। हम लोग दूसरे घर में बैठे, चार लाट चार बात सुने थन, गाली भी सुने थन। भैया यही है भरतापुर गांव की असली सच्चाई, यहां के लोग इस हद तक परेशान हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जंगली जानवरों का खतरा, हाथी 280 380 या 250 हाथियों का यहां पे मतलब मूवमेंट है, 20 से 25 की संख्या में हाथी आते हैं, कभी टाइगर आ जाता है तो इनको जान का खतरा है। दूसरी तरफ नदी, एक बार फिर से मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी दिखा दें कि नदी देखिए कैसे कटान कर रही है, नदी कैसे कटान कर रही है, पहले दूर नदी दिखती थी, आज ये नदी कैसे कटान कर रही है, बिल्कुल सबके सबके घरों के करीब आ रही है। ये लोग सोते हैं रात में, अचानक से जाग जाते हैं इस खौफ में कि कहीं घर तक तो नदी नहीं आ गई है, ये परेशान है और इनकी परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। हम ऐसे ही भारत के कोने कोने में जाकर के लोगों के दुख दर्द को दिखाएंगे, सच्चे भारत की सच्ची तस्वीर दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि भारत इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद अमृतकाल मना रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद भारत के लोगों की ये दशा है साहब, ये दशा है। इनके लिए अगर कुछ नहीं किया गया तो इंसानियत आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं तमाम लोगों से, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे देश की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन गरीबों के दर्द को दूर करिए साहब, आप ही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, आप ही लोग कुछ करिए तभी इनका दुख दूर हो सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इनको उम्मीद है, पिछले कई साल से सुनते चले आ रहे हैं, 16 साल से सुनते चले आ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण कि अब हमारा विस्थापन होगा, अब हमारा पुनर्स्थापन होगा, यहाँ से हम जाएंगे, मौत का खतरा हमसे दूर हो जाएगा, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे, ये इनकी भी सोच है, ये ऐसा ये भी चाहते हैं ताकि भारत के विकास में ये लोग भी शामिल हों और गर्व से अपना सीना ठोक करके कह सकें कि हम भी भारतवासी हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी को तो नर्क बना दिया गया है, सियासतदानों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इनकी दशा को देखें और जल्द से जल्द अगर इनके लिए कुछ नहीं किया गया तो ये नदी लील जाएगी साहब, इन लोगों को निगल जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, ये आपके अपने लोग हैं, आपके देश के अपने लोग हैं, चाहे वो पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, राजनीति को थोड़ा सा दूर करके इनके लिए जो कुछ भी वाजिब हो सकता है करने का प्रयास करिए।